जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। खुशखबरी, बेरोजगार सभी छात्रों के लिए एसएससी जीडी भर्ती 2023 के लिए बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। पोस्ट 84,866 न्यू अपडेट। सर बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूं। 84,866 वैकेंसी पूरी जानिए किसके लिए कितनी पोस्टें हैं। तो जो बेरोजगार इस बार एसएससी जीडी में रह गए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है। इसलिए एसएससी जीडी की जब तक भर्ती नहीं हो जाए, आपकी पोस्ट कितनी है, कब एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, किस तरीके का सिलेबस रहेगा, मेडिकल कैसा होगा, हर अपडेट मैं लेकर आऊँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन अपडेट देख लीजिए। ये आरटीआई के थ्रू बताया गया है, आरटीआई लगाई गई है अभी, और आरटीआई में उन्होंने स्पष्ट किया है कि देखिए 84,864 वैकेंसी है आपकी, जिसमें देखिए सीआरपीएफ में 29,000 प्लस हैं, बीएसएफ में 19,000 हैं, आईटीबीपी में 4,000 प्लस हैं, एसएसबी में 8,000 प्लस हैं, और सीआईएसएफ में 19,000 प्लस हैं, ईआर में 1700 कुछ हैं। तो इस तरीके से टोटल मिला के 84,864 वैकेंसी है, ठीक है। ये देखिए इन्होंने सीधा इन्होंने कहा है, नोटिफिकेशन फॉर कॉन्स्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 के लिए डिटेल फॉर वैकेंसी। जैसी आपकी अभी एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरने के लिए पूरा नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी आपको अपडेट दे दी जाएगी। और ये फॉर्म आपको पता ही है कब से डलने हैं, 24 नवंबर से, कब से 24 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में, ये भी आप लोगों को पता है, पहले से मैं बता चुका हूँ। दूसरा, आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब हो रही है, फरवरी मार्च में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, ये बहुत बड़ी अपडेट है। और 7 से 8 महीने में जॉइनिंग मिल जाती, इससे अच्छी इस समय देश के अंतर्गत कोई भर्ती नहीं है। फिजिकल बिल्कुल सिंपल है, मात्र आपको दौड़ निकालिए, आपका पेपर में अच्छे नंबर आते हैं। ये पूरी अपडेट है, मैं आगे आपको कल और अच्छे से विस्तार से वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपकी कोई क्वारी है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए कि क्या सर इस तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन, जीडी की हर पल की आपको अपडेट देंगे, किस तरीके से आप तैयार करें, कैसे सिलेक्शन लेवे कम समय में, सब कुछ बताया जाएगा। थैंक यू।